अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज की इस ऑनलाइन क्लास में हायर मैथमेटिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि इंटीग्रल कैलकुलस से रिलेटेड है, उसके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि जो हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कितने टाइप्स के होते हैं और उसको किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है उसमें यहाँ पर मैंने दो टाइप्स लिखी हैं और इन दोनों टाइप्स में हमने किस तरह प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व किया है, आइए सबसे पहले हम उसको देखते हैं। हमने यहाँ पर एक फंक्शन लिया है ए टू बी एफ ओफ एक्स डी एक्स इज सेट टू बी ए इम्प्रॉपर इंटीग्रल इफ एदर ए आर बी, इनमें से ए और बी, इनमें से एक या दोनों ही इनफाइनाइट हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो फंक्शन है ये अनबाउंडेड है एट ए और बी पर। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसकी जो टाइप्स हैं, टाइप ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो इसकी फर्स्ट टाइप या फर्स्ट काइंड है उसको मैंने कुछ इस तरह लिखा है, ए इंटीग्रल जो हमारे पास इन्फिनिटी है एफ ओफ एक्स डी एक्स, या इसको हम माइनस इन्फिनिटी टू बी एफ ओफ एक्स डी एक्स, या माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ ओफ एक्स डी एक्स, इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास एफ ओफ एक्स है इज क्या है, आपके पास बॉन्डेड है, फंक्शन क्या है बॉन्डेड है, जो इसकी लिमिट्स होगी वो हमारे पास जो है इस इंटीग्रल में अनबाउंडेड आ सकती है। इसी तरह वेयर एफ ओफ एक्स इज बाउंडेड इन गिवन इंटीग्रल, इसी तरह इसकी दूसरी टाइप है ए टू बी एफ ओफ एक्स डी एक्स, यहाँ पर ए और बी जो है ये फाइनाइट है, एदर जो इसकी लिमिट है सपोज एक्स अप्रोच टू ए एफ ओफ एक्स प्लस माइनस इनफाइनाइट आ सकती है, या एक्स अप्रोच टू बी लिमिट हो एफ ओफ एक्स फंक्शन पे उसकी लिमिट भी हमारे पास क्या है इनफाइनाइट आ सकती है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, अब जो हमारे पास टाइप टू है इसमें हमारे पास ये जो ए टू बी है ये तो फाइनाइट है, बट अगर इस पे कोई लिमिट आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगी इनफाइनाइट। तो ऐसे फंक्शन को फिर हम क्या कहते हैं, दूसरे लफ्जों में इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस, अगर उसकी लिमिट जो है वो हमारे पास क्या आ जाए, अनडिफाइंड हो जाए या अनफाइनाइट आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस। और अगर हमारे पास इस इम्प्रॉपर फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमारे पास अनफाइनाइट ना आए, यानी कि कोई यूनिक आ जाए या फाइनाइट आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंस। तो आइए स्टूडेंट अब इसके बाद हम समझते हैं कि कन्वर्जेंसी क्या है और डाइवर्जेंस क्या है। कन्वर्जेंस क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन फाइनाइट है, अगर उस पर कोई लिमिट अप्लाई करते हैं, तो आने लिमिट अप्लाई करने के बाद अगर उसका जो रिज़ल्ट है वो फाइनाइट आ जाता है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, वो कन्वर्ज है। और अगर ऐसा नहीं आता तो वहाँ पर फंक्शन क्या होगा, हमारे पास डाइवर्जेंस आएगा। अब कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी को चेक करने के लिए हम इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल लेते हैं और चेक करते हैं कि फंक्शन कब कन्वर्ज होता है और कब डाइवर्जेंस होता है। हमारे पास है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। सपोज हमारे पास ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स फंक्शन है, हम कहते हैं ये फाइनाइट है, इसकी वैल्यू जो है वो फाइनाइट है, या हम कहते हैं यूनिक है। अगर वो फाइनाइट एंड यूनिक है तो ये फंक्शन क्या होगा, कन्वर्ज। सिमिलरली इसी तरह अगर एक फंक्शन हमारे पास ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है और उसकी लिमिट जो है वो अनफाइनाइट आ जाती है, तो ऐसा फंक्शन क्या है, डाइवर्जेंस है। अब हम इसको एक एग्जांपल के जरिए सॉल्व करते हैं कि फंक्शन कब कन्वर्ज होता है और कब डाइवर्जेंस होता है। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन हमारे पास इंटीग्रल में हमने कुछ इस तरह लिया है ए टू इन्फिनिटी, ए टू अनफाइनाइट हमने फंक्शन ले लिया और एफ ऑफ एक्स डी एक्स कुछ इस तरह लिख दिया। अब स्टूडेंट अगर इसके हम लिमिट बनाना चाहते हैं तो फिर हम इसको क्या लिखेंगे,
कि लिमिट एक्स अप्रोचेड टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर हमारे पास ए टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस फंक्शन को हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो फंक्शन है हमारे पास क्या होगा, ये फाइनाइट भी है, या इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ सकती है, यूनिक भी है। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या होगा, कन्वर्जेंस फंक्शन। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, फाइनाइट एंड यूनिक, या इसको हम क्या देते हैं, कन्वर्जेंट। और अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, यहां पर इसका सोल्यूशन भी यूनिक आ जाएगा। हो सकता है ये फंक्शन हमारे पास डाइवर्जेंस भी आ जाए, ये दोनों पॉसिबिलिटीज यहां पर हो सकती हैं। अब हम सपोज यहां पर एक फंक्शन लेते हैं जो कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स या एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस एक्स डी एक्स इस तरह ले लेते हैं, और इसकी लिमिट हम ले लेते हैं जीरो से हमारे पास इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट इसमें हमने अब चेक करना है कि ये फंक्शन जो है वो कन्वर्ज है या फंक्शन ये हमारे पास क्या है, डाइवर्जेंस है। तो सबसे पहले आप इस फार्मूले के मुताबिक लिमिट क्या लेंगे, एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी की जगह क्या आ जाएगा एक्स, फंक्शन कुछ इस तरह हो जाएगा। अब सिंपली इसकी इंटीग्रेशन अगर सॉल्व करते हैं तो ये कुछ इस तरह आ जाएगी, और इसकी वैल्यू आपके पास जीरो से एक्स, और लिमिट हमारे पास एक्स अप्रोच टू क्या आएगा, इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, सबसे पहले इसमें अपर लिमिट अगर लिखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये एज इट ही आएगा, और अगर लोअर वैल्यू पुट करते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होंगे, पॉजिटिव, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो। तो यहाँ से लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो माइनस ई टू पावर क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी, और ये क्या आ जाएगा, प्लस। और आपको ये पता है कि जब ई टू पावर इन्फिनिटी आ जाए तो ये किसके इक्वल होता है, हमारे पास जीरो के इक्वल होता है। तो बाकी हमारे पास जो इसका रिजल्ट है, लिमिट वन पे तो अप्रोच नहीं होगी, तो ये जीरो प्लस वन इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, वन। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या आ गया है, ये फाइनाइट आ गया है, और ऐसे फाइनाइट फंक्शन को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, कन्वर्जेंट है। तो ये हमारे पास फंक्शन कन्वर्जेंट है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी फंक्शन है डी एक्स वन प्लस एक्स के। अब यहाँ से माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है, यहाँ से हम इसको टू पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं कि ये माइनस इन्फिनिटी टू जीरो डी एक्स वन प्लस एक्स के प्लस यहाँ पर हमारे पास जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन वन प्लस क्या आ जाएगा आपके पास एक्स के। अब यहाँ पर इसको हम लिमिट में चेंज करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर एक्स आ जाएगा और जीरो डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, इसी तरह यहाँ पर भी लिमिट एक्स अप्रोच टू आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी जीरो से एक्स डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब ऐसा कि आप जानते हैं इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो टेन इनवर्स एक्स है, लिमिट यहाँ पर एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी और इसकी लेंथ क्या है आपके पास एक्स से जीरो, यहाँ पर भी लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, यहाँ पर फंक्शन को वाई भी रख सकते हैं या एक्स ही रहने दे। तो यहाँ पर हमारे पास इसके फंक्शन की वैल्यू भी टेन इनवर्स एक्स ही आएगी, लेंथ इसकी जीरो से एक्स, लिमिट हमारे पास एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर अगर हम अपर वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं जीरो, लोअर वैल्यू पुट करते हैं तो ये फंक्शन एक्स ही रहेगा, और इनकी जो लिमिट्स हैं वो एक्स अप्रोच टू क्या है हमारे पास इन्फिनिटी, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी है ये, और इसी तरह प्लस लिमिट एक्स अप्रोच टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पर भी जब हम अपर वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स, लोअर वैल्यू पुट करेंगे तो जीरो। यहाँ पर टेन इनवर्स जीरो जीरो ही होते हैं, और नेगेटिव नेगेटिव क्या होंगे, पॉजिटिव। यहाँ पर अगर हम लिमिट अप्लाई करें इन्फिनिटी, और यहाँ पर ये हमारे पास जीरो हो जाएगा फंक्शन,
यहाँ पर लिमिट अप्लाई करें तो ये भी टेन इनवर्स इन्फिनिटी होता है, जैसा कि ये हमें पता है कि ये पाई बाई टू के इक्वल होता है और ये भी पाई बाई टू के इक्वल, और ये हमारे पास टू पाई बाई टू, तो ये किसके बराबर आ गया पाई। ये वैल्यू हमारे पास क्या है, अब ये फाइनाइट है, यानी कि ये फंक्शन जो है वो कन्वर्जेंट है, ठीक है, और ये यूनिक भी है। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि वो फंक्शन जो है कन्वर्जेंस कैसे है, तो उसके लिए सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास लिमिट जीरो से क्या है इन्फिनिटी ईज टू पावर एक्स डी एक्स, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेड टू इन्फिनिटी जीरो से एक्स ईज टू पावर एक्स डी एक्स आ गया। अब अगर हम इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो जीरो से एक्स लिमिट आपके पास एक्स अप्रोचेड टू इन्फिनिटी, अब इसको सॉल्व करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन ईज टू पावर जीरो लिमिट एक्स अप्रोचेड टू क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, तो यहाँ पर आपके पास ईज टू पावर एक्स माइनस वन ईज टू पावर जीरो वन, अगर यहाँ पर लिमिट अप्लाई करें तो ये फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा डाइवर्जेंस, क्योंकि ये कन्वर्ज नहीं होगा तो इस फंक्शन का रिजल्ट क्या होगा डाइवर्जेंस। तो स्टूडेंट आज हमने दो टाइप्स सीखी है यहाँ पर इम्प्रॉपर इंटेग्रल की, कि इम्प्रॉपर इंटेग्रल क्या होता है और उसकी कौन सी दो टाइप्स हैं, जिसमें हमने एक कन्वर्जेंस और एक डाइवर्जेंस को डिस्कस किया है। थैंक यू।